बाहर जाके खुद से खाने की। और मेरे मुर्दे 12 बज गए हैं। ओके सो हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं, सोने के लिए तैयार हैं। मैंने मेरी नाइट ड्रेस पहन ली है एंड मैं आपको कल सुबह मिलूंगी। एंड मैं थोड़ा सा सेटअप करने वाली हूँ मेरे लिए, ज़िंदगी आसान करने के लिए। मेरा स्किन केयर इस बॉक्स में रखूंगी मैं। और फिलहाल के लिए मैंने कैसे रखा है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे बहुत ही अच्छा एक टॉयलेटरी बैग है मेरे पास, जिससे मैं चीज़ें हैंग कर देती हूँ और फिर निकाल निकाल के यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसे कुछ चीज़ों को वहाँ पर रखने वाली हूँ फ़िलहाल, ताकि मैं आराम से यूज़ कर पाऊँ। और मेकअप करने के लिए बहुत प्यारा सा यहाँ पे मिरर भी है, और देयर इज़ मी, एंड आसान हो जाएगा मेरे लिए ज़िंदगी इसके साथ। सो फिलहाल के लिए मैं आपको यही चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं आपको कल मिलूँगी सुबह नई एनर्जी के साथ। आई होप मुझे अच्छी नींद आए। एंड बहुत मज़ा किया हमने आज, आके भी ना पूरा फन हुआ हमारा। कल वाला दिन ज़्यादा अच्छा एंड प्रोडक्टिव होने वाला है। सो आई सी यू गाइस टुमारो, बाय। अनदर लेज़ी आफ्टरनून, clouds covered in gray, third coffee of the day, almost fell asleep. Morning everybody, aaj hai naya din, agla din. Maine naha liya hai already aur Himmat naha raha hai, aur ab main jaldi se taiyar ho rahi hu. Kal raat mujhe achhi neend nahi aayi, I hope aaj aayegi. So let me get my excited. I guess I needed it though, I needed a breather for show, something so easy and pure. मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, तो डे टू है आज और हम दोनों तैयार हैं, मैं और हिम्मत। हस्बैंड गए हैं जिम, उसके बाद उन्हें मैंने कहा था कि हमारे लिए कॉफ़ी पिक कर लेना। मुझे लगता नहीं अब ज़रूरत है, क्योंकि हम रेडी हैं बाहर जाके खुद से खाने के लिए और मुझे भूख भी लग रही है। और समय हुआ है 9:00। सो पहले हमारा प्लान है कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे एंड ब्रेकफास्ट करेंगे, देन हम पार्क में जाने वाले हैं। आज पानी में रहने वाले हैं, मुझे लगता है आज वाटर पार्क जाएंगे, पूल जाएंगे और सारा एक्सप्लोर करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए कि हम क्या क्या करते हैं। तो यस, दिन की शुरुआत करते हैं कुछ करने के साथ। हमारा जो रूम है वो बिल्कुल वाटर पार्क के सामने, मुझे मैंने कल दिखाया था पर रात को आपको दिख नहीं रहा होगा। सो अभी पार्क में आने लोग शुरू नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली है पार्क के लिए। हिम्मत को तो अभी ले जाओ ही से, ओके। बट या पार्क बिल्कुल हमारे घर के सामने, हम तो देर शाम तक रह सकते हैं एंड देन वी कैन रन टू होम। वैसे आपको शायद म्यूज़िक सुन रहा होगा कि पार्क ऑलरेडी खुल चुकी है एंड म्यूज़िक है। कुछ लोग वैसे बैठे हुए भी हैं बट अन्य ज़्यादा नहीं है। सो हिम्मत के लिए हमने ये रोलिंग बेड लिया था उनसे कि ये अगर इस पर सोना चाहे, क्योंकि ये जो बेड है टाइनी है, आई थिंक क्वीन भी नहीं है, डबल बेड चाहिए। पर वो नहीं सोया, कह रहा कि तुम सो जाओ एंड मुझे तुम्हारे लिए मम्मी सैड लग रहा है कि तुम यहाँ पर सोओगी। नश्ता ने वो फिर हम दोनों यहाँ पे सोए, अनुपति खुले हो गए आराम से वहाँ पे। Another lazy afternoon, the clouds covered in gray, third coffee of the day, almost fell asleep on sound, I yawn at the display, third meeting of the day, but I can hear raindrops step dancing on the roof, it's like they're खाने के लिए आ चुके हैं हस्बैंड एंड उनके दोस्त मिसिंग हैं। और हम लोग खा रहे हैं एग, मैंने फ्रेश एग बनवाया मेरे लिए, ऑमलेट। हिम्मत खा रहे हैं पैनकेक एंड फ्रूट्स एंड बहुत ही मज़ेदार फ्रेश वाटरमेलन की ड्रिंक। यस, दैट्स माय ब्रेकफास्ट। Naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired, it's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops step dancing on the roof, it's like they're calling out, don't lose your youth, cause I can stay inside and tap away inside. मेरी ब्यूटीफुल कॉफ़ी आ चुकी है सोया मिल्क वाली एंड मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है एंड मेरे पास चम्मच नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ इस लड़के का जूस फिनिश करने का एंड ही गोना गेट मी स्पून। मैंने डैडी दे टेबल दो, टीस्पून दे दो। हाँ डैडी दे टेबल, डैडी गोना सेट दे।
Joe's the water park? The water slide park. Oh, really? Isso, how are you doing? After really good? Breakfast, I'm going. Really? Isso, how are you doing? Really good? Excellent. You enjoying you your life? Today, okay? Uh-huh. You enjoy your morning today, okay? Take care. Thank you. Pleasure, lady. Gracias. Son como las 2 de la mañana y no sé qué hacer. Okay, दोस्तों, तो breakfast करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा समय spend किया है ये water park में swim करने के लिए और मेरे mood 12 बज गए हैं and अब हम रेडी है कुछ खाने के लिए एंड कुछ पीने के लिए. सो मैं पीने वाली हूँ वो जो कोकोनट वाली ड्रिंक है ना, वर्जिन, बहुत अच्छी है, वो पियेंगे हम एंड देन कुछ खाएंगे, स्नैकिंग करेंगे एंड देन. सो हस्बैंड ने कहा कि ओ मैं सर्फिंग करूँगा, आगे मेरी वीडियो बनाऊँ. वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और मैं ज़्यादा 4-5 मिनट खड़े होकर वेट की थी, शायद ज़्यादा की होगी. एंड हस्बैंड ने लर्न किया कैसे करते हैं एंड पानी के ऊपर ना हस्बैंड एक सेकंड के लिए नहीं टिके, कैन यू बिलीव, 1 सेकंड. सो अन्नी मेरी वेट करने का क्या फ़ायदा हुआ, पर फिर भी मैंने सोचा शेयर ज़रूर करते हैं कि ये है मेरे पति की बहुत ही मज़ेदार एक्शन वीडियोस. प्लीज़ एंजॉय. हेलो दोस्तों, तो पूल से वापस आके हमने नहा लिया है. अब मेरे बाल हैं कर्ल, अब इनको मैं स्टाइल नहीं करूँगी, लाइक स्ट्रेटनिंग करूँगी, ब्लो ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि कल भी हमें पानी में जाना है तो शायद अगले उसके अगले दिन भी. सो इससे हम इसी तरह रहने देंगे और इनके साथ मैनेज करेंगे. सो हमने सुबह खाया था ब्रेकफास्ट, उसमें मैंने सिर्फ ऑमलेट खाया था एंड कुछ फ्रूट्स, दैट्स इट. छोटू सा टोस्ट भी खाया था एंड उसके बाद हमने कुछ भी खाया नहीं है. 4 बज रहे हैं ऑलरेडी, तो हमने सोचा कि अर्ली डिनर कर लेंगे, हम कोई लंच नहीं करने वाले हैं. समझ में नहीं आ रहा मैं सेम ड्रेस पहनूं जो मैंने सुबह पहनी थी या कुछ और पहनूं, क्योंकि मैं सेम भी पहन सकती हूँ, क्योंकि मैं 2 घंटे पहनी थी और उसके बाद मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया था, या डिफरेंट पहनूं, आई डोंट नो. सोचते हैं हम क्विक सा 10 मिनट का मेकअप करेंगे एंड देन वी आर रेडी टू गो. या मुझे ऐसे बाल बहुत अच्छे लगते नहीं है, बट आई कैन मैनेज सम टाइम चेंज, राइट? या हम रेडी, अब हम बाहर जा रहे हैं, खाएंगे पियेंगे एंड हमें डिनर अर्ली डिनर करने के लिए जाना है, उसके बाद हम शायद वॉक पे जाएंगे. सो हम ऑल रेडी, लेट्स गो. हस्बैंड नहीं आ रहे और हम दोनों लिफ्ट को रोक के खड़े थे हज़ारों सालों तक, पर अब हमने उसको लेट गो कर दिया है क्योंकि पति आ ही नहीं रहे. पता नहीं कि कढ़ाई कटने शुरू कर दी उन्होंने रूम में. क्या हिम्मत को डैडी मिलेंगे, तो हिम्मत के बाद डैडी मानेंगे. ओके, सो यहाँ पे है ये एक बुक स्टोर या लाइब्रेरी, ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी है, पर ये 18 प्लस के लिए बनाई गई है ताकि बच्चे इससे दूर रहें. और अंदर बहुत ही प्यारी सी बार है. या इस समय ये खाली है, कोई भी बंदा नहीं है, बट एक का बंदा तो मिलेगा कहीं पर. ओके, सो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कोई भी नहीं है और मैं और हस्बैंड आ गए, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एसी की हवा लग रही है ठंडा, तो हम कहीं और जाते हैं क्योंकि मुझे ठंड लग रही है. इन्होंने ना एसी थोड़ा ज़्यादा ही हाई किया एंड हिम्मत हमारी बाहर वेट कर रहा है. एंड जो हमारे साथ दूसरी फैमिली है वो भी आई नहीं है, वो तैयार हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि चाय काफ़ी पी लेते हैं तब तक, फिर हमारी रिजर्वेशन है हबीबी में लेबनीज रेस्टोरेंट में, तब तक वो आ जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे. लेट्स सी कि उसके बाद हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई, आई डोंट नो. ओके, मैंने आपसे बातचीत नहीं की ना कि कल मेरी रात कैसे गई. रात मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं गई, 3 बजे तक तो मैं बिल्कुल अवेक थी. उसके बाद जब मुझे नींद आनी शुरू हुई, हिम्मत इतना ज़्यादा एक्टिव था और मुझे कह रहा कि मम्मी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कब सुबह होगी और वाटर पार्क में जाऊँगी. मैं मेरा नींद आनी शुरू ही हुई है एंड फिर बार बार उठ के बोलता रहा ये, और मतलब कि इसकी रात की नींद भी डिस्टर्ब रही मेरी भी. और आज मेरी दोस्त ने सोचा कि मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, पर मैंने सोचा कि अगर मैं आराम करूँगी तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी. सो अच्छा है कि मैं मज़ा लेते हैं, 5-6 दिन के लिए हैं तो क्या सोना, बस बाहर जाके मज़ा लो, जितना जी सकते हैं जी लें, इन्जॉय कर लें, अच्छा अच्छा तैयार हो जाएँ, क्योंकि घर में तो फिर वैसे बोरिंग हो जाता ना. सो मैंने सोचा कि बाहर जाते हैं, रात को शायद अच्छी नींद आ जाए.
सो इसलिए हम लोग बाहर। ओके, सो ये है पट्टी, खूबसूरत तैयार होके आ गए हैं। एंड आज जिन्होंने बिल्कुल भी पानी में समय स्पेंड नहीं किया, आई डोंट नो क्यों ये पानी से क्यों डरते, बिल्ली होंगे बहुत, तो ये पिछले जन्म से पक्का पानी से कीता सी जा मैं, तो ये जानने ही नहीं है या मुझे नहीं, वाटर वाले डेस्टिनेशन जाके वाटर तो डरना, मुझे चाहिए डूंगा पानी। एक्चुअली मेरे पति ने कभी नहाया नहीं, हम पानी देके घबरा जाते हैं। नो प्लेइंग शैलो वाटर, मुझे डूंगा पानी चाहिए। ओके, सो आई हर्ड कि यू आर वेरी डाइट कॉन्शियस एंड नाउ यू आर ईटिंग केक एवरी मोमेंट। ब्रेक अप फॉर 10 डेज। ओह नाइस। ओके दोस्तों, तो मैंने मेरे लिए एंड हस्बैंड के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की है और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैंने सैंडविच किया है वेजिटेबल, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें बैंगन है। हम ना एक ऑस्ट्रेलिया में सैंडविच खाया करते थे इफ़ ही रिमेम्बर, तो नहीं याद है, फकाशिया बैंगन कद्दू एंड एवरीथिंग, इतना मज़ेदार था ना वो चार्ट्सटन शॉपिंग मॉल में, हॉइट्स सिनेमास उसके पास था वो, एंड उससे बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पे ये सैंडविचेस पड़े हैं ना, तो वो मुझे उसके जैसा सिमिलर लगा, तो मैंने कहा कि ऑर्डर करते हैं, अद्धा अद्धा खाते हैं। उसके बाद हम मेडिटेरियन फूड खाना चाहते थे, पर हस्बैंड अब प्लान चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चाइनीज़ खाते हैं। पर अब हमारे दोस्त हैं जो वो सो के उठ चुके हैं, वो तैयार हो रहे, जब वो आएंगे ना तब हम सारे मिल के प्लान बनाते हैं कि क्या खाएँ। तब तक हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, इनकी ना कॉफ़ी बहुत ही मज़ेदार है, रियली लाइक है। सो सारे परिवार ने मिल के फैसला किया है कि लेबनीज नहीं खाएंगे, एशियन खाएंगे। सो हम जा रहे हैं, ये है, मुझे लगता है इसका नाम है जैन। सो इसमें हम गए, सबसे पहले हमने ड्रिंक्स ऑर्डर की, ये बहुत ही मज़ेदार लीची ड्रिंक है, एंड लीची मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। उसके बाद हमने काफ़ी मज़ेदार आइटम्स ट्राई की, मुझे सुशी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली क्रैब या फिर चिकन। सो यहाँ पे क्रैब सुशी थी, सुशी खाई, नूडल्स खाए, आई थिंक हमने एक चिकन की डिश भी खाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हंसता खेडा हुआ यहाँ पे और मज़ेदार हमारा डिनर हुआ। Just got done with my ex. Didn't think you'd be next. Came in so fast, but I guess I needed it though. I needed a breather for sure. Something so easy and pure. I'm not usually like this. I'm in my head, always serious. Why would I fight this? Got something good, don't need to label it. You're not my type, but I like it. Day drinking in the sun. Hours passing one by one. Got no worries, yeah, they're gone. I don't feel happy in this pretty place.
कुछ देर पहले ही यहाँ पे वो रेसलिंग वाला प्रोग्राम चल रहा था जो फिनिश होगा, जो बच्चों के लिए था, और अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। और एक दोस्तों, तो हम हमारे रूम में वापस आ चुके हैं। समय हो रहा है अराउंड 11:30। हम नीचे से आ गए थे, हमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिली नहीं वो बॉक्सिंग के बाद। उसके बाद हमने ड्रिंक पी एंड देन हम हमारे दोस्तों के रूम में चले गए गपशप लड़ाने के लिए। और उनका रूम हमसे लाइक 3-4 रूम आगे है। बहुत सारी गप्पे लड़ाई हमने, कितने घंटे में लगा, 1.5 घंटा स्पेंड कर लिया उधर। और अब हम हमारे रूम में वापस आ चुके हैं, सोने वाले हैं। एंड मैं आपको कल मिलूंगी नए दिन के साथ, नई एनर्जी के साथ एंड नई एक्टिविटीज़ के साथ। आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मैं मिलूंगी आपको कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। बाय, लालू।